अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ ड्रामा देखने आए, नादा हो गया दीवाना, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये ड्रामा चल रहा है, अभी तो बिगिनिंग है ड्रामे की, आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो थोड़ा सही चल रहा है। अभी बहुत सारे फनकार, उनकी एंट्री नहीं हुई है, उनकी एंट्री हो जाए उसके बाद मैं आपको फाइनल डिसीजन दूंगा। अभी तो बिगिनिंग है, 15-20 मिनट हुए शुरू हुए, जब हो जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो आरिफ शेख हैं, जो प्रोग्राम के वो मेरे दोस्त हैं, उन्हीं के थ्रू आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ड्रामा देख रहे हैं नाना हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ड्रामा है नाना हो गया दीवाना, माशाल्लाह यहाँ की तफरी है, कुछ लोगों को ये छोटी मोटी तफरियाँ रह गई है, तो ये आर्ट काउंसिल वाले बहुत अच्छा काम करते हैं और मेरे ख्याल से बहुत कम कीमत के अंदर लोगों को तफरी मिलती है और ये खुशी है। और हम मेरे ख्याल से 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये जगह को और यहाँ पे सबको मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे अब भी लोग आते हैं और अपनी तफरी ले जाते हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है और अच्छा ड्रामा है और इनकी तरक्की और अच्छे होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ ड्रामा देख रहे हैं नाना हो गया दीवाना, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा है, अभी ड्रामा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सही है बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे ड्रामे के बारे में? नहीं, ड्रामा सही है। थैंक यू। सलाम, आप ड्रामा देख रही हैं नाना हो गए दीवाना, मज़ा आ रहा है, आज तो ज़रा तफरी हो गई कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप ड्रामा देख रही हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बस और क्या कहूँ, जो बोलना बोलो तो उसी ड्रामे के बारे में। अभी इंट्री हुई है, मैं अभी आई हूँ और अभी देख रही हूँ, जब देख लूँगी तो फिर आपको बता दूँगी कि क्या। चलो सही है, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ड्रामा देख रहे हैं नाना हो गए दीवाने, तो आपको कैसा लग रहा है? ड्रामा अच्छा है और इसके माशाल्लाह जो राइटर हैं वो बहुत पुराने और काबिल आदमी थे, उनका इंतकाल हो चुका है, जाहिर है उनका ड्रामा है तो अच्छा ड्रामा होगा, बहुत अच्छा ड्रामा, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अलहम। आप ड्रामा देख रही हैं नाना हो गए दीवाना? जी जी बिल्कुल, वही ड्रामा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, स्टोरी भी बहुत अच्छी लग रही है, बेसिकली हम लोग अभी बीच में आए हैं बट जहाँ तक देखे हैं स्टोरी समझ में आ रही है, कुछ अच्छा लग रहा है स्टोरी देख के। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए। आप ड्रामा देख रही हैं नाना हो गया दीवाना, आपको कैसा लग रहा है ड्रामा? जी बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी बहुत अच्छा ड्रामा है। ड्रामे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी ऐसे ड्रामे होने चाहिए और ड्रामे चलते रहेंगे तो हम लोग भी आके देखते रहेंगे, एंजॉय करेंगे लोग आके, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। शाम, आप ड्रामा देख रहे हैं नाना हो गए दीवाना, कैसा लग रहा है आपको ड्रामा? अच्छा लग रहा है, मज़े का ड्रामा है और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग आके और मज़ा आ रहा है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, ऐसे ड्रामाज थिएटर होना चाहिए, शोबिज में एक्सपोज होता है, शोबिज की इंडस्ट्री बढ़ती है और मज़ा आ रहा है देखने में, एंजॉय कर रहे हैं। आप ड्रामे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। जी आप ड्रामे के बारे में देख रहे हैं आप नाना हो गए दीवाना, क्या कहना चाहेंगे? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ, देख रहे हैं और सुन के आए कि ये एक सिलाई ड्रामा है और इसमें बड़े अच्छे मकासद, बाकी ड्रामा पूरा देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक ड्रामा अच्छा है और इंटरेस्टेड है। तो भाई आए थे, हम बोल रहे थे, हम भाई मालिक बोल रहे हैं हमारे मुंह में।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہاں پہ آپ کا ڈرامہ کیسا جا رہا ہے آپ کو یہاں پہ پرفارم؟ جی بہت اچھا جا رہا ہے یہ ڈرامہ اور اب تک کی ساری انٹریز بہت اچھی ہیں اور اب میری انٹری ہونے والی ہے اور انشاءاللہ دعا کریں ہم بھی کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. اور مطلب کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈرامہ بہت اچھا ہے اور میں نے جب اب دیکھا ہے اور ریہرسل کے لیے آئی ہوں مجھے بہت پسند آیا ہے یہ ڈرامہ اور سماج لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اور بہت بجٹ وجٹ کے لحاظ سے بھی بولا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کامیابی ہوگی اور عوام تک یہ بات پہنچے گی. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو یہاں آپ نے یہاں پرفارم کیا اور آپ ڈرامہ یہ بنا رہے ہیں نانا ہو گئے دیوانہ, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے یہ معاشرے کی برائیوں پہ ہے اور اچھائیوں پہ ہے اور اس میں کام کر کے بڑا لطف آتا ہے اور پبلک کو بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی بات کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کام میں سینئر جونیئر سب کام کر رہے ہیں اور ڈرامہ لاجواب ہے اور انشاءاللہ تعالی سب کو اچھا لگے گا اور سب کا ٹیلنٹ سب سامنے آتا ہے. اس کے بعد پھر کام جو ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا چینل جب بھی یہاں آتا ہے ہم لوگوں کو موقع دیتا ہے بولنے کا, ہمارے کام کو نکھارتا ہے. ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے اس چینل کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ڈرامہ بن رہا ہے نانا ہو گئے دیوانہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نانا ہو گئے دیوانہ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو خوشیاں بانٹنا یہ ان لوگوں کا کام ہے آرٹسٹوں کا, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنی پوری محنت سے اپنی قابلیت سے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرام جو ہیں وہ ہر وقت ہونے چاہیے. کم سے کم مہینے میں دو ایسے پروگرام ہوں جس سے کہ لوگ خوش رہیں, کیونکہ حالات ماحول ایسا ہے کہ سارا دن آدمی کام کر کے تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے, گھر جاتا ہے, گھر جانے کے بعد اس کو کوئی کسی قسم کا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ہالس میں, جو ڈرامے ہوتے ہیں, میوزیکل شو ہوتے ہیں, ان کو دیکھنے چاہیے تاکہ ان کا مائنڈ بھی فریش رہے اور پتہ بھی چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ڈرامہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کے لیے ضروری ہے, اور یہ جو پروگرام ابھی ہو رہا ہے نانا ہو گئے دیوانہ بہت اچھا ڈرامہ ہے, جس نے بھی لکھا ہے اور جن لوگوں نے بھی کام کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا. تھینک یو. یہ پاپا ہے جو کہ میرے کو خاص کرے گا. پاپا کہاں سے گاؤں؟
अच्छा मुझे ये बता, रिश्ता यहाँ लाना है या फिर कलर नहीं बता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ ड्रामा बना रहे हैं, नाना हो गए दीवाने? बिल्कुल। सबसे पहले मिशन न्यूज़ देखने वालों को शहबाज सनम सन ऑफ सिकंदर सनम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्ले चल रहा है नाना हो गया दीवाना, मरहूम सलीम कलिमानी साहब का लिखा हुआ ये ड्रामा है और डायरेक्टर जावेद जावला है। तो सारे आर्टिस्टों की मेहनत से बहुत खूबसूरत ड्रामा सजाया गया है। इसका अंदाज़ा आप लोगों को ऑडियंस से हो गया होगा, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ऑडियंस, इतनी बड़ी तादाद में ऑडियंस यहाँ मौजूद है। तो हम सब आर्टिस्टों की कोशिश ये है कि अच्छा सा ड्रामा करके और पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से एंटरटेन करें। और पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि आप लोग निकलें घरों से, मेरे ड्रामे होने लगे हैं अब। हम जूनियर्स भी कर रहे हैं, सीनियर्स भी कर रहे हैं और ड्रामों का वापसी एक रिवाइवल हुआ है, तो आप लोग आएंगे, आपका आना ही हमारे लिए हौसला अफजाई है। तो आप आएंगे तो हम अच्छे से ड्रामे पेश करेंगे, तो आप आते रहें और हम आपके लिए ड्रामे पेश करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने यहाँ परफॉर्म किया, आप ड्रामा बना रही हैं नाना हो गए दीवाना? जी बिल्कुल, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करते हुए। और इसमें मेरा तीन करैक्टर है, एक जवान का करैक्टर है, एक ओल्ड करैक्टर है और एक जो है वो अंग्रेज़ का करैक्टर है। तो मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह करे इस ड्रामे को सुपर डुपर हिट करे। फैमिली ड्रामा है, फुल इंजॉय है, फुल मस्ती है और हमारी कास्ट ने बहुत मेहनत की। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और बस मेरी यही दुआ रहती है कि कोई भी ड्रामा करे सबका ड्रामा अच्छा जाए, क्योंकि पूरी कास्ट की बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन होती है, दिल से मेहनत। आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं सब लोग यहाँ पे? बिल्कुल, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब सीनियर और अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। बस आप लोग की दुआएं चाहिए, साथ चाहिए और हमारे ऑडियंस का। जब तक ऑडियंस हमें प्यार नहीं देगी ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके क्लैप की ज़रूरत होती है हमें, उनके मुस्कुराहट की ज़रूरत होती है, समझ लें वो हमारे लिए एक एनर्जी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे वो हम जितना भी अच्छा कर लें, जब तक ऑडियंस का रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं करेंगे। से बहुत अच्छा ड्रामा। हाँ, ऑडियंस का जब रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें और हिम्मत और ताकत बढ़ती है कि हम और अच्छा करें। बस आप लोगों की दुआएं और साथ चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। हमारे मिशन के बारे और क्या चीज़? हमारा मिशन आपको कैसा लगा? आपका मिशन हमें बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह से ये है ही सुपर डुपर हिट, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ कवरेज के लिए पहले पहुँचे हुए होते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है हमें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस मिशन को बहुत कामयाबी और बहुत तरक्की अता फरमाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे ड्रामा बनाया जा रहा है नाना हो गया दीवाना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं तारुफ करवा दूँ कि मेरा नाम सैयद शाहिद अली शाह है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, उसके अलावा एक्टर भी हूँ, डांस डायरेक्टर भी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी जो परफॉर्मेंस देखी तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, यानी बहुत अच्छा पॉलिश किया गया इस ड्रामे को और जिसने भी पेश किया है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। आप गालिबन आज यहाँ कवरेज करने आए ड्रामे की? जी। तो चले मैं बता देता हूँ जनाब, यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एक ड्रामा हो रहा है नाना हो गया दीवाना। ये ड्रामा सलीम कल्याणवी साहब ने तहरीर किया है, इसकी हिदायत दी है जावेद मेमन जावला ने और ये मुकम्मल एक फैमिली ड्रामा है जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस ड्रामे को ऑडियंस ने पसीराई दी। अगर आप हॉल का विजुअल लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो ऑडियंस थिएटर से स्टेज से रूट गई थी वो दोबारा आ गई है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के इस्लाही ड्रामे, एंटरटेनिंग ड्रामे होने चाहिए, लोग अपने घरों से निकलें, फनकारों की हौसला अफजाई करें और इसी तरह जो है ये खुशियाँ हम बिखेरते रहें, समेटते रहें। और मिशन न्यूज़ वालों को मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस ड्रामे में आए और हमारी कवरेज की, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। छोड़ो, क्या करो, क्या करो, छोड़ो, मेरा काम छोड़ो।
बाजार से लेकर आएंगे, तो जितने माल लाएंगे उतने की और जरूर लाएंगे। आप